अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अनाउंस होने वाली वैकेंसीज़ के हवाले से आज की स्टूडियो में तफसीली बात करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे अनाउंस होने वाली जॉब्स की वीडियोज़ के हवाले से आप लोग अपडेटेड रह सकें। मैं हूँ सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जानिब से पब्लिश होने वाले एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अनाउंस होने वाली वैकेंसीज डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, मगर ये लॉन्ग टर्म वैकेंसीज हैं। इस पर आप लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं। अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट इंटरमीडिएट तालीम होना जरूरी है। अगर आपके पास तालीम ग्रेजुएशन है तो आपको तरजीह दी जाएगी, साथ साथ आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर के हवाले से सर्टिफिकेशन होना लाजमी है। 2 साल डाटा एंट्री एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी अच्छे दायरे के साथ। आपके पास कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ आपको होनी चाहिए नॉलेज एमएस ऑफिस की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इसके अंदर शामिल है। डाटा एंट्री एप्लीकेशन के हवाले से आपके पास नो हाउ होनी चाहिए, साथ साथ आपको वेब बेस्ड डाटा एंट्री फॉर्म फिल करने आते हो, आपके पास एबिलिटी और कमांड हो डाटा एंटर करने की फास्ट और एक्यूरेटली बेसिस पे। आपकी टाइपिंग स्पीड 40-50 वर्ड पर मिनट होना जरूरी है, और इसके अलावा आपकी 10 की स्पीड 6000 की पर आवर विद 95% एक्यूरेसी के साथ होना लाजमी है। इसके अलावा आपको रिपोर्ट जनरेशन करनी आती हो, यानी कि ओवरऑल आपको कंप्यूटर के हवाले से बेहतरीन मालूम होनी चाहिए, ताकि आप टाइमली अपना काम कर सकें। अगर आपके पास ये तमाम स्किल्स हैं, जो कि आज के दौर में कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले के लिए बहुत कॉमन स्किल्स हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इनमें अप्लाई करने के लिए, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत सिंपल है। आपको एक एप्लीकेशन फिल करना होगी, यानी कि एक एप्लीकेशन टाइप करनी होगी, जिसके ऊपर आपकी कंप्लीट डिटेल्स होंगी, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका सेल नंबर, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, तमाम चीज़ें। इसके साथ आपने ये बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोजीशंस वादे नहीं करी हुई, मगर ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, क्योंकि जामिया कराची अगर आपने देखा है तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर काफ़ी सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हैं। इस एप्लीकेशन के साथ आपने अपनी कंप्लीट अपडेट सीवी लगानी है, साथ में रिसेंट अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, 2000 रुपये का पे ऑर्डर बनाना है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के नाम पे, और अपनी तमाम चीज़ें आपने डिस्पैच कर देनी है रजिस्ट्रार ऑफिस 2nd फ्लोर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कराची पे 31 जनवरी 2022 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। इन वैकेंसीज में डोमिसाइल पीआरसी का कोई इशू नहीं है, कहीं का भी डोमिसाइल है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से सरकारी या नीम सरकारी इदारे में काम करते हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेकर अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 43 साल है, तो 43 साल तक के मर्द और ख्वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें ऊपर पूरी हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने वालों में से जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको कॉल किया जाएगा टेस्ट के लिए, और उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट वीडियो कराची यूनिवर्सिटी में आने वाली जॉब्स के हवाले से। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।